हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी बेसमेंट का आप निर्माण कैसे करते हैं, किसी बेसमेंट को आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले आप एक वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे एक मकान बना हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल में 9x26 में ही बना हुआ है। तो इनको चाहिए था ग्राउंड फ्लोर पर एक ऊपर इनको दुकान चाहिए था और एक बेसमेंट में भी इनको दुकान चाहिए था, दो दुकानें इनको चाहिए था। तो उस तरीके से उन्होंने बनाया है। फ्रंट में आप देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे दो पिलर के साथ सपोर्ट किया गया है ये चीज़, ठीक है। सामने से सीढ़ी दिए गए, सामने से ही अंदर जाने के लिए भी सीढ़ी है और ऊपर वाली दुकान में भी आपके लिए जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आपका बेसमेंट का पूरा डिटेल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ऊपर एक दुकान हो गई, नीचे एक दुकान हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि नीचे का जो दुकान है उसका अगर मान लीजिए फ्यूजन का साफ वगैरह करते हैं, धोते वगैरह हैं पानी से, तो आपका जो पानी है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक नीचे सेप्टिक टैंक टाइप का, मतलब सॉरी सेप्टिक टैंक नहीं, एक सोख्ता बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने बनाया है। उससे क्या है कि जो भी पानी होगा यहाँ पे इस जो पिट है, सोक पिट बोलते हैं उसको, सोख्ता बोलते हैं, सोक पिट बोलते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा और धीरे से अपना अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा दोस्तों। ये चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा इनका दुकान के तरीके से बना हुआ है, सामने से यहाँ पर सीढ़ी दिया गया है दोस्तों। ये था वीडियो, अभी वीडियो में तो आपने सारा चीज़ डिटेल दे दी है, देख लिया है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अपने इसको किस तरीके से इन्होंने बनाया है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको, कैसे कैसे बेसमेंट अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहली बात कर लेते हैं, देखिए ये आपका बेसमेंट का प्रॉब्लम है, बेसमेंट हो गया आपका, फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको पहले रखना है कि आपका जो रोड हाइट है, ठीक है, ये आपको देखना है। अगर देखिए आपका मार्केट में प्लान है जहां पानी का निकासी का दिक्कत है, निकासी मतलब ड्रेन आउट होने की दिक्कत नहीं है, वहां पे आप बेसमेंट आराम से बना सकते हैं। आपका रोड हाइट सिर्फ 5 फीट भी डाउन है, 4 से 5 फीट भी डाउन है, तो भी आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो भी पानी होगा, बारिश का जो भी पानी होगा, आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर आप बाहर कहीं बना रहे हैं, खेत वगैरह में बना रहे हैं जहाँ पानी स्टोर हो जाता है, मतलब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वहाँ पे आप बेसमेंट ना बनाए हमारे एक्सपीरियंस से। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि आपका साइड से जब भी आप मान लीजिए आपका बेसमेंट हो गया, ठीक है, आपकी बेसमेंट की वाल हो गई, यहाँ पे आपकी बेसमेंट की वाल हो गई, अगर पानी यहाँ तक भरा पड़ा है, यहाँ तक पानी भरा पड़ा है, ठीक, ये आपका पानी यहाँ तक लगा है, ये इससे क्या है सीपेज होगा, यहाँ से सीपेज होगा और कैपिलरी एक्शन द्वारा आपकी बिल्डिंग के अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अगर इन द केस आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी जाती है, हमको बनवाना ही है आपको, तब आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या करिए, आपकी जो भी दीवार है उसमें आप पूरा ये RCC का कर दीजिए, ठीक है। दीवार की जिस हाइट पर भी आप एक हाइट मेजर कर लीजिए कि मान लीजिए आपको पता है कि भाई हमको यहाँ पे 4 फीट तक पानी लगता है, तो आप 5 फीट या 6 फीट हाइट तक आप RCC कर लीजिए इस वाटर प्रूफिंग के साथ। इसमें जो कंक्रीट मिलाइएगा, वाटर फिक्सिट का एक आता है, वाटर डॉक्टर फिक्सिट का NW प्लस और भी सोल्यूशन आते हैं, आप किसी भी सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा उसको कैसे करना है आपको। यहाँ पे वाटर प्रूफिंग कर देंगे तो आपका पानी जो है इस वाल के थ्रू अंदर नहीं जाएगा, प्लस आपको जो बेसमेंट जो नीचे फ्लोर बनाएंगे इसको भी आपको RCC का करना होगा, जो बेसमेंट रहेगा इसको भी आपको पूरा RCC करना होगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से पानी ये कैपिलरी एक्शन द्वारा फ्लोर के नीचे से आपका पानी सीपेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, पहला चीज़ आपके लिए है। और दूसरा चीज़, जब भी आप बेसमेंट बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपका ये बेसमेंट हो गया, ठीक, ये बेसमेंट की वाल है, ये बेसमेंट है, तो आपको जो फर्स्ट फ्लोर की छत है साइड से भी आप देख लीजिए, ये आपका बेसमेंट हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर की छत हो गई, ठीक है, ये आपका सॉरी ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये आपका बेसमेंट हो गया। यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए मान लीजिए आपने NCC फील्ड बनाया हुआ, ठीक है, ये इसको यहाँ पे बेडरूम को देखना पड़ेगा ताकि आप यहाँ अंदर जाए कि इसकी जो स्लैब है आप इससे टच ना हो, यहाँ पे जो इसकी स्लैब आएगी ये या इससे रहेगी, ठीक है, ताकि आप आराम से इसको यूज कर सकें। क्योंकि अगर स्लैब यहाँ तक आप पूरा कवर कर देंगे इसमें, तो आप ऐसे तो नहीं भाई 2 फीट 1 घंटे में से डायरेक्ट टूट जाएंगे। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको इस तरीके से हाइट मिलनी चाहिए। तो हेड रूम आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है आपका हेड रूम, ठीक है, दूसरा पॉइंट हेड रूम है। जो भी आप सीढ़ी वगैरह बना रही है, मैंने वीडियो में जो बताया उसमें भी आपको मिले होगा, हेड रूम आपको ध्यान देना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जो सोफिट,
अभी मान लीजिए ये आपका ये रोड हाइट है, ये आपका रोड हाइट हो गया ठीक। अब अगर मान लीजिए कभी आप इसको इस बेसमेंट को कभी या फिर बारिश का पानी कैसे पानी आपका एंट्री हो गया मान लीजिए किसी कारणवश, तो यहाँ पे आपको 100 फीट आपको देना पड़ेगा। तो 100 फीट ये रहेगा कि यहाँ पे आप घंटा करके 100 फीट दे दीजिए, जिससे क्या जब भी आप ऊपर मान लीजिए साफ सफाई करते हैं तो ये बाढ़ जो भी पानी है यहाँ से 100 फीट में चला जाएगा और धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको 100 फीट देना है। फोर्थ पॉइंट है ये जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है इसको आपको कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की जो छत है ये तो पीछे रहेगी, तो फर्स्ट फ्लोर की छत को कवर करना पड़ेगा ठीक है। क्योंकि अगर बारिश तेजी से होती है ठीक है सीधा होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारिश अगर स्पीड से होती है तो ऐसे बारिश की जो लहरें होती हैं बरसाती होती है ऐसे बारिश जाती है पानी जाता है, इससे क्या है कि अंदर पानी जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये फोर्थ पॉइंट है। तो टोटल इसमें इस तरीके से चार पॉइंट है, चारों पॉइंट में एक बार दोबारा समराइज कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है आपको पानी का देखना है कि भाई आपको पानी वाटर लॉगिंग का दिक्कत तो नहीं, मतलब पानी लगने की दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको मार्केट का प्लान है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी नाली वगैरह रहती है वहाँ से आपका ड्रेनआउट हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपका मार्केट का प्लान नहीं है, गाँव बना रहे हैं या खेत बना रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से RCC का काम कराना पड़ेगा वाटर प्रूफ के साथ। दूसरा पॉइंट है हेडरूम। हेडरूम मतलब ये आपको यहाँ पे हेडरूम देना पड़ेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड में जाने के लिए आप सीढ़ी रहेंगे तो ये आपका यहाँ पे लड़ेगा। मान लीजिए अगर आप कार पार्किंग भी कराते हैं, आप कई लोग बेसमेंट को कार पार्किंग पर्पज से भी बनाते हैं, तो भी आपकी कार का जो हेडरूम है यहाँ से टच ना हो, उसका जो बोरा है टच ना हो। तीसरा पॉइंट है सोकेट मतलब जो भी पानी आप कभी धोएंगे फिर बारिश के पानी है वो एक सोकेट में जाना चाहिए, जिससे आपका कभी प्रॉब्लम ना आए यहाँ पर पानी की दिक्कत, क्योंकि पानी लगा रहे तो प्रॉब्लम आएगा। और फोर्थ पॉइंट है इसका जो फर्स्ट फ्लोर की छत है इसको आपको कवर करना होगा, ताकि बारिश का पानी वगैरह आपको सोक में अंदर जो बेसमेंट है उसमें न जाए। तो ये तरीके से टोटल एक मोटा मोटी मैंने बेसमेंट के बारे में बता दिया आपको। बाकी अगर डिटेल और भी कोई चीज़ आपको रह गया है, कोई भी डाउट रह गया है, तो नीचे कमेंट आप ही लोगों के लिए दोस्तों, उसमें आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि अगर इस चीज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो ये था पूरा डिटेल, बाकी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट हमने उसका भी चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जहाँ तक आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपना प्यारा सपोर्ट हमारे चैनल से जरूर बनाएं। चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।